उत्तर प्रदेश में 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। हमारे साथ में बने हुए हरेंद्र चौधरी इस वक्त, लेकिन रविंद्र कुमार, जैसा कि बताया जा रहा है कि 13 आईएएस अधिकारी इस वक्त जिनके तबादले किए गए हैं, रविंद्र कुमार प्रथम उन्नाव के डीएम बनाए गए हैं। प्रशासनिक फेरबदल, आंध्र वामसी से लेकर काशीपुर, हर जगह पर कुछ न कुछ तबादला इस वक्त देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी हरेंद्र फोनलाइन के जरिए बने हुए हैं। हरेंद्र, ये नियमित तौर पर या फिर रूटीन प्रक्रिया के तहत ये तबादले किए गए या इसके पीछे की कोई और वजह? बिल्कुल, देखिए, जब बार अगर इसको समझने की कोशिश करें, जब भी इस तरह के तबादले किए जाते हैं तो उसके पीछे जो आधार है वो यही है कि प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश शासन की तरफ से की जाती है। और जैसा आप कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि डीएम उन्नाव देवेंद्र कुमार पांडे को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया, तो जाहिर सी बात है वहां एक नए डीएम की तैनाती की जानी थी। रविंद्र कुमार प्रथम जो है नए डीएम उन्नाव के बनाए गए हैं। तो साथ ही जो नियुक्ति विभाग की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसमें कुल 13 आईएएस का जो तबादला किया गया, और उसमें 8 जिलों के जो डीएम है वो बदले गए, जिसमें उन्नाव के डीएम शामिल है। इसके अलावा सहारनपुर से लेकर कन्नौज तक के अलग अलग जिलों के जो डीएम बदले गए, और उसके अलावा विशेष सचिव की नियुक्ति अलग अलग विभाग के लिए। तो कोशिश है कि एक बेहतर व्यवस्था वहां दी, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप स्कीम है, उनमें क्रियान्वयन करने जी। चलिए, शुक्रिया हरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।